नमस्कार, मैं प्रियंका आप सभी का नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। मैं आप सभी के सामने फिर से लेकर हाजिर हूँ आपका खास प्रोग्राम भोजपुरी दंगल। जी हाँ, भोजपुरी दंगल के हम इस प्रोग्राम में आपके लिए हम भोजपुरी इंडस्ट्री के वो तमाम ऐसी खबर लेकर आते हैं जो कि आपके सुपरस्टार और इनकी फिल्मों के साथ तो जुड़ी हुई होती है, लेकिन इसी के साथ साथ हम उन रियल हीरो की भी बात करते हैं या वो उन व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जो कि उनका काम, उनका हुनर अपने आप में ही एक बड़ी बहुत बड़ी बात है और एक पूरे समाज में एक उदाहरण के तौर पर उभरता है। तो चलिए, आज के इस दंगल में मैं आपके सामने दो ऐसी महिलाओं का जिक्र करने जा रही हूँ जो कि अपने आप में ही एक मिसाल है। जी हाँ, सबसे पहली महिला की मैं जो बात करने वाली हूँ वो बहुत ही अनोखी है, बहुत ही अलग है। आपको पता ही होगा कि राजस्थान, जी हाँ राजस्थान एक ऐसा शहर है जो कि रजवाड़ों का शहर कहा जाता है और वहाँ पर जो भी महिलाएं रहती हैं या जो भी लोग हैं वो उनका जो सोच है वो काफ़ी पुरानी सोच है। उनका कहना, उनका मानना होता है कि महिलाएं कहते हैं गहने में रहें और पर्दे में ही रहें तो ज़्यादा बढ़िया। हालांकि उनका ये मतलब नहीं होता कि वो घर से बाहर ना जाए, कोई काम ना करें, लेकिन खुल के सामने आना ये उनको पसंद नहीं आता। ऐसे में हम आपके सामने एक ऐसी महिला का जिक्र करने जा रहे हैं जो कि गांव में एक बहू होने के साथ साथ, एक पत्नी होने के साथ साथ वो देश पर सीमा पर देश की रक्षा कर रही है, सीमा पर देश की सुरक्षा कर रही है और लोगों की, जनता का मदद कर रही है। जी हाँ, मैं आज ऐसे ही आपके सामने एक ऐसी महिला के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ जो बहुत ही अलग है, बहुत ही अनोखी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखिए हमारी ये खबर। राजस्थान के जोधपुर में जन्मी प्रेरणा सिंह अपने समाज की कुरीतियों को तोड़ते हुए आगे बढ़ी और आज वे इंडियन आर्मी में मेजर है। कहते हैं कि एक औरत के अंदर हर वो शक्ति होती है कि वो किसी भी नामुमकिन चीज को मुमकिन कर दिखाए और ये चीज का जीता जागता सबूत है प्रेरणा सिंह। इस बात के लिए उनके पति उन्हें हमेशा सपोर्ट करते आए हैं। वहीं सास ससुर को भी अपनी बहू पर गर्व है। बता दें कि वो आज आर्मी में होते हुए भी एक माँ, बहू और पत्नी होने का फर्ज बाखूबी निभा रही है। प्रेरणा सिंह ने 2011 में आर्मी ज्वाइन की थी। उनकी शादी 5 साल पहले हुई। उनके पति माधत सिंह एक वकील हैं। उनकी एक 3 साल की बेटी प्रतिष्ठा है। फिलहाल प्रेरणा का परिवार जयपुर में रहता है। प्रेरणा ने करीब 6 साल पहले इंडियन आर्मी ज्वाइन की मेरठ और जयपुर के बाद। फिलहाल वो पुणे में पोस्टेड है और वे इंजीनियरिंग कोर्स भी कर रही है। उनके सास ससुर इस कामयाबी से काफी खुश हैं। उन्हें बताया कि उनके गांव की प्रेरणा ऐसी पहली बहू है जो इंडियन आर्मी में बतौर अफसर पोस्ट पे है। हमें उस पर गर्व है, यह हमारे लिए बेटी जैसी है। प्रेरणा घर में रहने के दौरान राजपूतों की पारंपरिक ड्रेस में रहना पसंद करती है। उन्हें इस ड्रेस में देख कर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि वह एक फौजी अफसर है। ड्यूटी के दौरान वे आर्मी की ड्रेस में रहती है। उनकी फैमिली के मुताबिक ड्यूटी के अलावा घर पर उनके सॉफ्ट नेचर को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि वे एक आर्मी अफसर है। वो ड्यूटी घर पर जितनी अच्छे से अपनी फैमिली के लिए करती, अपने फर्ज निभाती है, वैसे ही वो ड्यूटी पर भी अपने फर्ज को निभाती है। और देखा जाए तो कहना ये गलत नहीं होगा कि एक औरत जहाँ जिस तरीके से एक अच्छा घर संभाल सकती है तो वहीं दूसरी तरफ वो बहुत ही अच्छी बेटी, बहुत ही अच्छी बहू बन सकती है और साथ ही साथ वो देश की रक्षा भी कर सकती है। तो देखा आपने कि किस तरीके से वो अलग ही हैं, बहुत अनोखी ही हैं। एक ऐसी महिला जो अपने घर परिवार के साथ साथ सेवा की भी रक्षा कर रही है और कहा उन्हें देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि जो महिला अपने घर की रक्षा कर सकती है तो वो अपने देश की रक्षा क्यों नहीं कर सकती। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में ही। तो आज मैं फिर से वहीं पे दूसरी तरफ, जब मैं जिस औरत के बारे में बात कर रही हूँ वो एक ऐसी महिला है जो 63 साल की होने के बावजूद भी अपने जीवन में संघर्ष कर रही हैं, अपने जीवन से लड़ाई कर रही हैं और आज भी वो अपने ऊपर आत्मनिर्भर है।
मतलब कि आज भी वो कमा अपने अपना अपना भालन पोषण वो अपने आप ही करती हैं, भरण पोषण, साथ ही साथ वो अपना तो काम करती ही, अपना भरण पोषण तो करती हैं, अपनी छोटी बहन की जिम्मेदारी भी उन्होंने अपने सर ले रखी है। ऐसा क्यों है, क्यों उन 63 साल होने के बावजूद भी वो ऐसे काम कर रही हैं, खुद से उन्हें काम करना पड़ता है, और क्या वो शादीशुदा नहीं है, क्या बच्चे नहीं है, बहुत सी जानकारी है, बहुत सी चीज़ें हैं, ये सारी सवालों के जवाब हम देते हैं अपनी रिपोर्ट में। तो देखिए हमारी ये दूसरी कहानी। वो कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी कि पूत कपूत होते हैं पर माता कुमाता नहीं होती। जी हाँ, ये कहावत बहुत सही है और काफी हद तक सच भी है। कहते हैं कि एक माँ चार बेटे को एक साथ पाल सकती है, उन्हें खिला सकती है, लेकिन चार बेटे अपने माता पिता का साथ नहीं दे पाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी बताने जा रही हूँ। जी हाँ, जिस उम्र में सहारे की जरूरत होती है और अगर उस उम्र में पड़ाव में बाहर काम करना पड़े तो आप सोच सकते हैं कि उस महिला की क्या हालत होती होगी। ये कहानी है इलाहाबाद में रहने वाली वीना पानी की, जो कि 63 साल की उम्र में ई रिक्शा चलाने को मजबूर है। वीना पानी की एक बहन भी उन्हें पर आश्रित है। पति के अलावा उनके 3 बेटे भी हैं। बेटे सौतेले हैं। उन्होंने वीना पानी को घर से बाहर निकाल दिया है। पति ने बहुत पहले ही उन्हें छोड़ दिया था। वह शुरू से ही आत्मनिर्भर रही हैं। उन्होंने 60 साल की उम्र तक एक निजी कंपनी के अलावा जनसंख्या विभाग से जुड़कर काम किया, लेकिन 60 की उम्र पार होने के बाद जब वो रिटायर हुई तो बेटों ने रिश्ता तोड़ दिया। वीना पानी उन पर उनकी बहन की भी जिम्मेदारी थी, इसलिए उन्होंने ठान लिया कि वह रोटी की जुगाड़ के लिए खुद काम करेंगी। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद मिले पैसों के अलावा कुछ कर्ज लेकर 1,45,000 रुपए जुटाए और ई रिक्शा खरीदा। उन्होंने रिक्शा चलाने के लिए पहले ड्राइविंग सीखा लिया, लेकिन वह काम छोड़ने पर मजबूर हो गई और फिर उन्होंने खुद से ई रिक्शा चलाने का फैसला लिया। कड़ी धूप में भी हार नहीं मानती। इतना सब होकर उनके बावजूद उन्हें जीवन में कोई शिकायत नहीं है। वो हर रोज सुबह उठती हैं और अपना काम करती हैं। जो लोग मुसीबतों से हार मानने लगते हैं, उन्हें ये 63 साल की महिला से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है कि किस तरीके से वो अपने ऊपर आत्मनिर्भर होकर अपने आप को तो संभाल ही रही है, साथ ही साथ अपनी बहन की भी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है। आज हमने आपको ये दोनों कहानियां इसलिए बताई क्योंकि ये दोनों एक ऐसी महिला है जो एक तरफ जहां अपने देश सेवा के साथ साथ घर परिवार की भी सेवा कर रही है, जो एक आम औरत की जिम्मेदारी होती है। कहा जाता है कि आम औरत घर की सेवा पानी करे तो बढ़िया ही होता है, लेकिन उसी के साथ साथ अगर जो वो देश सेवा करे तो वो और भी बड़ी बात है। तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी महिला है जो कि इतनी उम्र हो जाने के बावजूद भी अपने आप से नहीं हार मानी, अपने जीवन से हार नहीं मानी, और वो आज जैसी भी है, जिस हाल में भी है, उन्हें अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं, अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। और वो दोनों महिलाएं हर एक औरत के लिए, हर वो एक ऐसे औरत के लिए उदाहरण है जो खुद पर आत्मनिर्भर होना चाहती है, कुछ कर कर दिखाना चाहती है। तो देखा आपने कि किस तरीके से आज हमने आपको दो ऐसी महिलाओं का बारे में जिक्र किया है जो कि एक जहां 63 साल की महिला है और आज भी आत्मनिर्भर है और अपने पैसों की कमाई से खुद का तो जीवन चला ही रही हैं, साथ ही साथ अपनी बहन का भी पालन पोषण कर रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हमने जिस महिला का जिक्र किया है, वो अपने घर परिवार के साथ साथ एक अच्छी बहू और एक अच्छी पत्नी होने के साथ साथ वो देश की सीमा पर भी देश की सुरक्षा कर रही है। बहुत बड़ी बात है, बहुत अनोखी बात है। हमने आपको ये दोनों कहानियाँ, ये दोनों खबर इसलिए बताई क्योंकि आज भारत को एक पुरुष प्रधान देश कहा जाता है। पुरुष प्रधान देश मतलब कि कोई भी कार्य के लिए सबसे पहले पुरुषों को आगे लिया जाता है। लेकिन अगर जो आज की बात करें, जी हाँ, 21वीं सदी की अगर जो बात करें, तो आज के समय में महिला पुरुष में भारत में कोई भी कह सकते हैं अलग प्रकार की सोच नहीं रही है कि महिला जो काम कर सकती है वो पुरुष नहीं कर सकते और जो पुरुष कर सकता है वो महिलाएँ नहीं कर सकती है। आज महिलाओं ने अपने नाम का एक अलग परचम लहराया है पूरे देश भर में, चाहे वो घर गृहस्थी हो, खेल कूद हो, चाहे वो कोई और क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अपना एक अलग नाम, अपना एक अलग पहचान बनाया है।
ये थी हमारी खास मकसद इस प्रोग्राम को बताने के लिए, इस प्रोग्राम में इस कहानी को बताने के लिए। चलिए आज के प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपको हर बार की तरह इस बार भी कहना चाहूँगी, आपको भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी, भोजपुरी समाज से जुड़ी कोई भी जानकारी लेनी हो या आपके पास कोई ऐसी कहानी हो जो कि आप हमारे साथ बताना चाहते हैं, तो आप हमारे इस प्रोग्राम में कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ ये लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा। और तब तक के लिए भोजपुरी की तमाम खबरों को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया। मैं प्रियंका आप सभी के सामने कल फिर से हाजिर होंगी ऐसे ही कुछ रियल स्टोरी, रियल हीरो हीरोइन की कहानी जो कि अपने जीवन में वो काम कर दिखाती हैं, वो कारनामा कर दिखाती हैं जिन्हें पूरी दुनिया याद करती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।